आज हम बनाना सीखेंगे मिर्ची वड़ा। बनाना कितना आसान होगा वो तो आप वीडियो में देख ही लेंगे। और इसमें हम आलू के मसाले की स्टफिंग भरेंगे, आप चाहें तो पनीर की स्टफिंग भी भर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक बाउल, एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें मैं डालूंगा बेसन जो कि मैंने छान लिया है पहले ही। 150 ग्राम बेसन है और अगर कप से मापते हैं तो एक बड़ा कप है और इसे मैंने बड़े बाउल में डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, तो आधा छोटा चम्मच जितना ही नमक है वो मैंने डाल दिया है। और साथ में मैं डालूंगा इसके लाल मिर्ची पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया मैंने। और अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, और डालेंगे अजवाइन, हाथ से क्रश करके डालेंगे जिससे कि क्या है फ्लेवर अच्छा आएगा और खुशबू आएगी अजवाइन की, तो वो मैंने डाल दी है अजवाइन। और अब क्या करेंगे, एक साथ मिला लेंगे सभी को और थोड़ा थोड़ा पानी करके बैटर तैयार करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा पानी डालता हूँ और मिलाएंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर थोड़ा पानी डालेंगे और मिलाएंगे। 2-3 चम्मच इतना फिर मैंने पानी डाला है, फिर से डालेंगे आधा छोटा चम्मच इतना पानी और मिलाएंगे। ये देखिए बैटर हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं। और इसे ढककर रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। तो मैं इसे प्लेट से ढककर रख देता हूँ 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम क्या करते हैं, मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये अदरक लिया है, इसे छील लिया है 1/4 इंच जितना अदरक है, और साथ में 2 हरी मिर्ची थी जिसे मैंने मोटा मोटा छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, और इसे हम पीस लेंगे। आप चाहें तो हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट सकते हैं चाकू की सहायता से, अदरक को भी बारीक बारीक काट सकते हैं, या फिर अदरक का पेस्ट भी आप ले सकते हैं। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया, ये आप देख सकते हैं अदरक और हरी मिर्ची। और अब क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे या फिर एक पैन, तो मैंने कढ़ाई ली है गैस पर, और इसमें 1.5 चम्मच जितना मैं रिफाइंड तेल डाल रहा हूँ। जैसे ही ये गर्म होगा इसमें हम डालेंगे जीरा, तो जीरा मैंने डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच, और जीरा जैसे ही भुनता है इसमें हम डालेंगे अपनी कटी हुई जो हमने हरी मिर्ची और अदरक को पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे। और अब डाल देंगे मटर, 1/2 कप मटर है वो मैंने डाल दी है हरी मटर, अगर आपके पास मटर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी मटर भी डाल दी है, अदरक भी डाल दिया है और हरी मिर्ची भी डाल दी है। 2-3 मिनट तक भूनते रहेंगे लगातार। और अब डालेंगे मसाले, तो सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ नमक स्वाद के अनुसार 1/2 छोटा चम्मच जितना, हल्दी पाउडर है 1/4 छोटी चम्मच, इसके साथ ही लाल मिर्ची पाउडर है 1/2 छोटा चम्मच जितना, और हम डालेंगे इसमें सौंफ पाउडर 1/6 चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और गरम मसाला है 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, और सभी को मिला लेंगे, भून लेंगे 2-3 मिनट तक। और इसके साथ ही हींग डाल दूंगा मैं 1/4 छोटी चम्मच से भी कम। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और भून लेंगे 2-3 मिनट तक, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता पड़े तभी पानी डालें। अगर आपको लगे कि हमारा मसाला सूखा सूखा सा लग रहा है तभी पानी डालें। थोड़ा सा मैंने पानी और डाल दिया है, आप देख सकते हैं 1/2 छोटा कप जितना मैंने पानी डाला है इसमें, और लगातार भूनते रहेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून जाने चाहिए। और भूनने के बाद ये देखिए मेरे पास 2 आलू थे उबले हुए, इसको मैंने हाथ से मैश कर लिया था पहले से ही, और इसमें डाल दिया है 2 उबले हुए आलू मैश करके डाल दिए। अगर ग्राम में मापते हैं तो 250 ग्राम जितने हैं ये, और साथ में डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर, और देखिए हमारी स्टफिंग तैयार है। गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के बाद एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। तो ठंडा हो गया, मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है मसाला अपना, आलू मटर का मसाला स्टफिंग के लिए। और ये देखिए हरी मिर्ची है, ये मेरे पास छोटी वाली हरी मिर्ची है, पतली वाली है, लेकिन इसके लिए मोटी वाली हरी मिर्ची लेनी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी हरी मिर्ची ले सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, थोड़ा जो स्टफिंग है वो हम कम भर पाएंगे। तो देखिए इसके जो अंदर का है मैंने निकाल दिया है, जो मिर्ची के बीज है वो मैंने निकाल दिए हैं। इस तरह से चाकू की सहायता से कट लगाएंगे और इस तरह से निकाल देंगे। तो सारी मिर्ची हम ऐसे ही कर लेंगे, आप देख सकते हैं हल्के से कट लगाना है बस बीच में, पूरा नहीं कट काटना है, हल्का सा ही काटना है, और इस तरह से निकाल कर अलग कर देंगे अंदर के जो बीज हैं। और अब भरेंगे इसके अंदर आलू का मसाला स्टफिंग, तो इस तरह से हाथ से भर लेंगे, आसानी से आप भर सकते हैं। और एक मैं आपको स्पून से भी भर कर दिखाऊंगा, ये देखिए इस तरह से मैंने भर लिया है। अब मैं आपको एक स्पून से भर कर दिखाता हूँ, स्पून से इस तरह से भरेंगे, जो एक्स्ट्रा मसाला है उसे हम निकाल देंगे।
उतना ही भरें जितना हरी मिर्ची के अंदर आ सके। अगर ये मोटी वाली हरी मिर्ची होती जो अचार वाली होती है तो उसमें ज़्यादा मसाला आ जाता, लेकिन ये पतली वाली है तो वही हमने ली है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं मोटी वाली और ये भी, जो आपके पास आसानी से मिल जाए वो आप ले लीजिए। तो ये सारी मिर्चियों को हमने अंदर मसाला भर लिया है और बैटर भी हमारा तैयार हो गया है। देखिए इसमें बबल्स भी आ गए हैं बैटर में। अब डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से भी कम, आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, और मिला लेंगे। मिलाने के बाद देखिए हमारा बैटर एकदम तैयार है। गैस ऑन कर दी है और गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में रख दिया तेल, और देखिए चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हो गया है कि नहीं। जी हाँ, तेल एकदम गर्म हो गया है। जैसे मैंने बेसन के बैटर की एक ड्रॉप डाली वो ऊपर आ गई, और अब क्या करेंगे, एक इस तरह से मिर्ची लेंगे और इस तरह से डिप करेंगे और इस तरह से डाल देंगे, और पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें तलेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है, बाहर निकाल लेते हैं अपने मिर्ची बड़ा को। बाकी भी हम ऐसे ही तल लेंगे एक बार में, जितने आप डाल सकें कढ़ाई में। मैं आपको एक एक और दो दो डालकर दिखा रहा हूँ। देखिए एक और डालकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। और देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया अच्छी तरह से। अब इसे बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा मिर्ची बड़ा ये भी बनकर तैयार है। सारे मिर्ची बड़ा हमने बना लिए हैं। तो देखा कितना आसान है मिर्ची बड़ा बनाना, लेकिन आप चाहें तो बड़ी वाली मिर्ची भी ले सकते हैं, छोटी वाली भी ले सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि देखिए सारे की सारी हमारे मिर्ची बड़ा बनकर तैयार है, टमाटो सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या फिर मीठी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।